आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बैक स्पेस बटन की। वैसे आमतौर पर इस बटन का एक ही उपयोग है, कोई भी अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इसके बटन द्वारा मिटा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके तीन और यूज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको उदाहरण के साथ समझा सकें। जैसे कि आपने यहाँ कुछ लिख रखा है, तो बैक स्पेस क्या करेगा, इसमें से जो एक एक शब्द है वो मिटा देगा। ये इसका नॉर्मल काम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एक्स्ट्रा यूज़ देखें तो पहला यूज़ ये है, अगर आप जैसे ये वर्ड है ना जी सिंह नरेंद्र पूरे के पूरे मिटाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाकर बैक स्पेस दबाइए। ये देखिए पूरे पूरे वर्ड मिटेंगे, यानी कि पूरा पूरा जो अपना वर्ड है वो मिट जाएगा। यानी आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट ले रखा है, कुछ कुछ वर्ड मिटाने हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर टू, जैसे कि आपने कुछ लिख रखा है और आप इसको मिटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस से तो आप मिटा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अगर ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और आप कुछ स्पेशली ऑनलाइन काम करते हैं तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा, इसको एक साथ मिटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस लगातार दबाने पर ये मिट तो जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा आंकड़ा है तो कैसे मिटाएंगे। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस दबाइए, पूरा का पूरा मिट जाएगा। तो ये आप मिटाने में दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर तीन और लास्ट ये है, जैसे कि अगर आप किसी ड्राइव के अंदर जा रहे हैं और ड्राइव के अंदर जाने के बाद अपने फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, जैसे फोल्डर ही फोल्डर है, ठीक है। अभी आप इनसे वापस बैक निकलना चाहते हैं तो ये जो बटन है आप इसके द्वारा भी निकल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो बैक बटन स्पेस दबा के भी वापस पीछे आ सकते हैं। ये देखिए, तो आप बैक स्पेस द्वारा बैक भी आ सकते हैं आपकी ड्राइव के अंदर। पहले इसका उपयोग पहले ये भी होता था, जो ब्राउज़र है उसके भी आप बैक जा सकते थे, लेकिन बाद में ब्राउज़र वालों को क्या हुआ, उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया। तो ये तीन एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आप बैक स्पेस का। अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे और इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हम लाते रहते हैं चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।